ये HP TechZ Ink Advantage 5075 हमारा प्रिंटर है। इसको हमने इसको ऑन करके देखते हैं कितना टाइम लेता है और कैसे वर्क करता है। इसमें हम प्रिंट करके भी देखेंगे। ओके, ये पावर की बटन है। आप थोड़ा सा इसे पीछे कीजिए ताकि हम इसे क्लियरली पूरा व्यू देख पाएं कि HP प्रिंटर का इसका क्लियर। देखो HP का लोगो भी आप दिखाइए कितना प्यारा दिया हुआ है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए बहुत साइन कर रहा है। ये प्रिंटर काफ़ी दिनों से रखा था मैंने, इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की, मैं ध्यान से उचट गया था। अब देखो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें वाईफाई सिस्टम भी दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर वाईफाई का सिग्नल भी दिया हुआ है। ये मोबाइल से भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक स्कैन कॉपी से कलर्ड प्रिंट और एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आपको करके दिखाऊंगा। हमारा प्रिंटर जो ऑन हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ आवाज़ें भी आ रही है। कॉपी, स्कैन और सेटअप, ऐसे और फंक्शंस दिए। वाईफाई को यहाँ पर हम टच करते हैं। देखिए वाईफाई हमने टच किया, यहाँ मैं यहाँ से सेटिंग में जाकर ये इसको हम ऑन कर सकते हैं। वाईफाई को ये ऑन, मैं अभी इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल से कनेक्ट नहीं करना है, बैक कर रहा हूँ। यहाँ होम की बटन दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, हेल्प कोई भी हेल्प चाहिए तो। ठीक है, यहाँ बैक किया, अब मुझे कॉपी करना है। ठीक है, मैं यहाँ से एक पेज लेता हूँ, जिसे मैंने कॉपी पे क्लिक किया। देखिए ये कॉपी पे क्लिक किया, अब मुझे नंबर ऑफ कॉपीज लेनी है, मैंने यहाँ 1 पे सेलेक्ट किया। ओके, अब मैं यहाँ पर ये स्कैनर जो बोर्ड है यहाँ पर देखिए, इसमें ये फॉर्म आया हुआ है, फॉर्म तो मैं निकाल दे रहा हूँ, ये बाहर रखा। यहाँ पर मैं एक है ना पेज जिसकी या तो कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट कॉपी करता हूँ। पहले मैं ब्लैक एंड वाइट कॉपी करूँगा। देखिए ये मेरे फ्रेंड का आधार कार्ड है, सॉरी पैन कार्ड है। इस पेन कार्ड को मैं यहाँ पे देखिए इस स्कैनर में यहाँ पर मैंने इसे प्लेस किया। ओके, इसके बाद हम कलर्ड प्रिंट लेने वाले हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार्ट कलर करता हूँ, ये स्टार्ट कलर प्रिंट पे। ये इस ट्रे को मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ प्रिंट निकल रहा है। ओके, थोड़ी सी इसमें कुछ सेकेंड्स का टाइम लगेगा। ये देखिए यहाँ पर लोडिंग आ रही है। हाँ, ये उसकी आवाज़ आ रही है और ये हमारा फाइनली प्रिंट निकल गया। देखिए ये कलर प्रिंट निकाला हुआ है हमारा, ये हमारा HP TechZ Ink Advantage 5075 प्रिंटर से कलर प्रिंट, काफ़ी अच्छा प्रिंट निकालता है ये। अब इसी पर हम एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंट और निकाल के इसी का देख लेते हैं कैसा है। इसी को यदि मैं ट्रे में डाल के करता हूँ तो देखते हैं। हाँ अगेन दोस्तों, मैं पेन कार्ड को जो है यहाँ पर फिर से प्लेस कर रहा हूँ और यहाँ पर हम ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देखेंगे कैसा आता है इसका। और यहाँ पर देखिए स्टार्ट ब्लैक लिखा हुआ है, यहाँ स्टार्ट ब्लैक पर मैं ये क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ कॉपी हो रही है और ये ट्रे में यहाँ से ताकि आपको लगे कि हाँ प्रॉपरली यहाँ पेज निकल रहा है। इसमें भी ऐसे करती है, देखो पेज आता है। ये देखिए ये कलर्ड और ये इसका ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो हमने जो देखा वीडियो में प्रिंटर की सारी हमने फीचर्स देखे, बहुत बढ़िया प्रिंटर है और इसमें वाईफाई से कैसे कनेक्ट होता है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वहां पर आप देखिएगा। और इस तरह से देखिए अब कितना प्यारा इसका लुक है, बहुत बढ़िया लगा, लाइट एंड वेट है और बहुत ही अच्छा प्रिंटर है जो मेरे PC के साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस प्रिंटर को ही और डिटेल में यदि आपको जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वाईफाई और मोबाइल से कैसे कनेक्ट होता है, कैसे स्कैन होता है PC से, ठीक है, पिक्चर्स को हम कैसे स्कैन करके हम प्रिंट करते हैं वो चीज़ भी हम देखेंगे। और इसी तरह के और वीडियो के लिए आप बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे। और जी वैसे ही आपको मालूम है गणतंत्र दिवस अभी गया है, तो वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।